Hello everyone, this is Sakar Gupta and I hope you all are doing well. So guys, as you have already seen the thumbnail and the title of this video, so guys, simply the purpose of this video is just to make your MBA journey professional and extraordinary. In this video, I will share few hard skills, few soft skills and few other things that will definitely help you out to make your MBA journey successful. And I'm damn sure about that. If you follow my advice, if you follow all those things, whatever I'm going to share with you all, if you adopt those kind of skill set, whatever I'm going to share with you all, I'm damn sure about that, you people will have a very, very bright future. And the feeling of regression should not be there. Like ऐसा होता है ना कि कई बार हमारे मन में इस चीज़ का पछतावा होता है, like regret सा फील आता है कि यार ये चीज़ मुझे क्या बस पहले पता होती, या कॉलेज टाइम में मुझे ये चीज़ बता दी जाती, कोई मुझे पहले से मुझे अच्छे से गाइड कर देता है, ये चीज़ मैं पहले कर पाता. तो ऐसी चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि हमको बाद में जा कर के आगे हमको पता चलती, तो हमको एक तरीके का रिग्रेट फील होता है, पछतावा सा फील होता है. तो दिस थिंग एटलीस्ट शुड नॉट बी देयर ना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों की एक तरीके की हेल्प करूंगा. आप मेरी गलतियों से सीख सकते हो, आप मेरी एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो. मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि क्या होता है एक प्रॉपर, अगर आपको एक बोलते हैं ना कि एक अगर आपको सही तरीके से एमबीए करना है, एक अगर आपको सही से मास्टर्स लेना है, या फिर आपको एक मैनेजमेंट की सही एक वो होनी चाहिए, तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द डिग्री, है ना. एमबीए इज़ नॉट जस्ट अबाउट द डिग्री. अगर आप सोच रहे हो कि मैनेजमेंट एक तरीके का डिग्री है दैट यू कैन स्टोर एट द कॉर्नर साइड ऑफ योर अलमीरा, इसको आप कहीं मतलब पेपर में इसको अवेलेबल कर लो, विच इज़ अवेलेबल ऑन द पेपर इट्सेल्फ, उसके बाद उसको अलमीरा के अंदर कहीं कॉर्नर साइड पर स्टोर करके रख लो, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. MBA का मतलब ये नहीं होता है कि एक आप अपने एकेडमिक्स में अच्छे हो गए और अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हो, जाकर के आप पीयर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इंटरनल में अच्छे हो, एक्सटर्नल में अच्छे हो, अच्छी परसेंटेज के साथ में पास हो गए, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, है ना. मैं डीमोटिवेट नहीं करता हूँ कि आपको अपनी एकेडमिक्स के अंदर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अपनी एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको थ्योरी एटलीस्ट क्लियर करनी चाहिए, सही तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, अदर एक्टिविटीज़ इन द सेंस मतलब आप समझ लो कि बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी फ्रेशर्स पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी होती है, वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम अप करने के लिए, आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होते हैं, सेशंस होते हैं. तो उन सब चीज़ों को मिसिंग भी नहीं करना है, केवल एकेडमिक्स में अच्छे हो जाओ, अच्छे तरीके से पढ़ लो, अच्छे से मार्क्स ले आओ, इसका मतलब दोस्तों मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं अच्छी परसेंटेज के साथ में पास हो जाऊंगा और मेरा सब कुछ जो भी मैं पर्पस, जिस भी पर्पस के साथ मैं एमबीए कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये इसका मतलब नहीं होता है. एमबीए का मतलब अगर आप मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे हो, डिप्लोमा ले रहे हो, पीजीडीएम लाइक कोर्स कर रहे हो कुछ उस तरीके का, तो उसका मतलब यही होता है दोस्तों कि आप एक तरीके का ये होता है दोस्तों कि एक तरीके का एक्सपीरियंस, यानी कि आपको नए लोगों से मिलना है, न्यू एक्सपीरियंसेस को गेन करना है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डू इनोवेट समथिंग न्यू, है ना, कुछ नया करो, कुछ इनोवेट करो, कुछ अलग हट करके सोचो, अपनी कुछ स्किल्स को डेवलप करो, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो. दिस इज कॉल लाइक MBA. कुछ आपके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए, यूनिकनेस इन द सेंस अभी मैं आपको बताता हूँ. देखो MBA इज़ फॉर एवरी वन, है ना, डज नॉट मैटर कि फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम, वेदर यू हैव डन इन योर पास्ट BA, BSc, BCom, BTech, BBA, BCA और मे बी एनी अदर थिंग एल्स, MBA सभी लोगों का वेलकम करता है. आप सब लोगों के लिए MBA के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी आकर के MBA में आसानी से एडमिशन ले सकता है. बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी हैं, बहुत सारे आपने खुद के प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हो. ठीक है, आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए MBA करने के लिए, और कई कॉलेज आपको सस्ते में भी MBA करा देते हैं. ठीक है, तो उसके ऊपर फिलहाल अभी मैं बात नहीं करता. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, MBA सभी लोगों के लिए बना है. MBA इज़ वेरी जेनरस इन इट्स नेचर,
सभी लोगों को वेलकम करता है, सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। बट उसके साथ ही साथ इसका एक और भी ड्रॉबैक है कि अगर सभी लोगों के लिए MBA ना, तो कॉम्पिटिशन भी कई गुना ज़्यादा हाई है। तो अब उस कॉम्पिटिशन में हाउ विल यू प्रूव कि यू हैव सम अदर काइंड ऑफ USP? USP का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट मतलब कि आप अपने आप को किस तरीके से दूसरे लोगों से हट करके बना सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज़ यू आर हैविंग विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, है ना। मतलब कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको दूसरे पीपल से अलग बनाती हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दूसरे लोगों से अलग हट करके बनाती है। इसी को दोस्तों वही चीज़ बोलते हैं कि एक USP आपकी क्या है। अगर आपकी कुछ अलग अपनी खुद की पहचान है ना, तो आप ग्रो कर सकते हो, तो आप कुछ अलग हट करके कर सकते हो। तो अपनी सबसे पहली बात तो ये है कि MBA को एक तरीके की डिग्री मानना बंद करो। एक तरीके का उसमें बहुत सारी लर्निंग प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको आपकी MBA जर्नी में बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी। लोगों से बात करना, लोगों से घुलना मिलना आना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सभी लोगों को दोस्त अपना बना लो, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना कैसे पॉइंट रखना है। क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, 60, 70, 80 बच्चों का क्लास है। अगर आप सोचो कि मैं अपना हैंड रेज कर दूं और कोई क्वेश्चन पूछ लूं, उसमें हेजिटेशन फील हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि एक बार दो बार तीन बार चार बार अगर आप कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछते हो अपना हैंड रेज करके, तो उसके बाद में कई बार टीचर्स आपकी जब प्रशंसा कर देते हैं, कुछ उनको अच्छा बोल देते हैं उन स्टूडेंट्स को, तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछते हो या अपने आप को ये सोचते हो कि यार, कुछ लोग होते हैं ना क्लास में थोड़ा सा आगे ज़्यादा स्पीड फॉरवर्ड होते हैं, तो वो लोग हमेशा यहाँ होते हैं तो वो यहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर हो, क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, अगर टीचर्स ने आपकी प्रशंसा नहीं करी, नहीं आपको अप्रिशिएट किया, तो आपका कॉन्फिडेंस और यहाँ पर हो जाता है। वो जो यहाँ थे, आप इस तरीके से थे, आप सोचो कि मैं यहाँ पर हूँ और वो यहाँ पर है, अगर वो थोड़े से क्वेश्चंस पूछ करके या कुछ अलग हट करके कुछ करते हैं, तो अगर उनकी टीचर्स अप्रिशिएट कर देते हैं या कुछ करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस यहाँ हो जाता है और आपका यहाँ से यहाँ हो जाता है, है ना। तो दिस थिंग शुड नॉट बी देयर, है ना। एटलीस्ट आपका अगर कॉन्फिडेंस यहाँ है तो ऊपर ही जाना चाहिए, आपका जो ग्राफ है वो नीचे नहीं आए एटलीस्ट। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ अब कैसे पॉसिबल है? अब आपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना कि टीचर्स क्या बोल रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, गो टू हेल। ऐसे सोचो ना कि सब कोई बाहर में जाए, यू आर पेइंग द फीस, यू आर हेयर टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। अपने पॉइंट्स को कैसे रखना है, अपनी चीज़ों को कैसे रखना है, ये चीज़ें कोई आपको बताएगा नहीं, है ना। ये चीज़ें आपके अंदर एक अगर खुद की वो होती है ना, जैसे बोलते हैं जिसकी आग बोलते हैं, कि अगर आपके अंदर वो चीज़ की आग है, वो चीज़ अगर आपको करना ही है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, अपने गेस्चर्स पोस्चर्स को सही करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, तो कोई आपको बताएगा नहीं यार, कोई आपको कितना मोटिवेट कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता कोई। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो, ठीक है, अपने आप में आप एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, ये सारी चीज़ें छोड़ करके अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो अपने बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपनी फीस के बारे में सोचो, हर दिन कुछ नया सीखो, ठीक है। दूसरे जो सो कॉल्ड से लोग होते हैं जो ऐसे बैठे होते हैं क्लासरूम्स में, या जो टीचर्स होते हैं, उनके बारे में छोड़ करके केवल अपने क्वेश्चन पूछो, अपने लिए काम करना स्टार्ट करो। तो यही ये सिंपल सा एक मतलब था, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ बात करने जा रहा हूँ, कुछ एक स्किल सेट की बात करूँगा जिसको आपको डेफिनेटली ग्रूम करना ही चाहिए, मतलब अपने आप को अपने उन स्किल सेट के ऊपर काम करना ही चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है आपकी नेटवर्किंग स्किल्स। मैं नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि नेटवर्किंग इज़ नॉट स्किल्स, बट हाँ, नेटवर्किंग एक तरीके का वो है जिसकी हेल्प से आप लोगों को जानते हो, कितने लोगों को जानते हो। तो नेटवर्किंग में मैं ये चीज़ नहीं बोलता कि नेटवर्किंग का मतलब कि कितने पीपल, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इन योर फेसबुक अकाउंट और लिंक्डइन अकाउंट, कितने लोग भरे हुए हैं, कितने कनेक्शन, हाउ मेनी कनेक्शंस यू आर हैविंग, बट इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। लाइक आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने कनेक्शंस हैं, उससे मतलब नहीं है। कितने लोगों को आप एज अ पर्सन जानते हो, कितने लोगों को से आप पर्सनली मिले हुए हो, उसको नेटवर्किंग बोलते हैं।
अगर आप किसी को हाय मैसेज करो, अगर आप किसी से हेल्प मांगने जाओ, तो कितने लोग साथ में आपके खड़े होंगे, ये चीज़ को नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे अभी मेरे YouTube के ऊपर देखो तो करीब 28-30,000 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन काम के कितने हैं? शायद 100 लोग भी मेरे काम के नहीं होंगे, है ना, केवल वीडियो देखते हैं। वो एक अलग बात है, मैं उसको छोड़ता हूँ। बट ना, मेरा कहने का ये मतलब होता है कि है कि जैसे कि अगर नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कितने फॉलोअर्स आपके हैं, वो नेटवर्किंग नहीं है जो आप सोचते हो कि मेरी लिंक्डइन में इतने सारे कनेक्शंस हैं और वो सोच करके अपने आप को प्राउड फील करते हो, दैट डज नॉट मीन कि वो आपकी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब होता है कितने लोगों से आप पर्सनली मिले हुए हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने जूनियर्स से, अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से सबसे मिलना है, ठीक है। और आपको कौन सा, क्या आपका पर्पज़ है, क्या बनना चाहते हो आप? बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन लोगों के साथ में मिलो, उनके साथ में अच्छे कनेक्शंस बनाओ उनको, देन सोशल मीडिया बात की चीज़ है ना, उनसे जा कर के ऐसा पर्सन मिलो जा कर के, तो उसी को नेटवर्किंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरा एम था, मैंने इस एम के साथ में MBA करना स्टार्ट किया था कि मुझे HR बनना है, मुझे HR डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। ये चीज़ मेरा एक मतलब बहुत छोटे पल से तो नहीं, जैसे जैसे मैं इंडस्ट्री में गया, कुछ एक साल का एक्सपीरियंसेस लिया, उसके बाद मैं एक्सपीरियंस लेने के बाद में ये चीज़ आई कि HR डिपार्टमेंट सूट्स फॉर मी, आई फाउंड माई इंटरेस्ट टू द ह्यूमन साइड ऑफ द बिजनेस, है ना। ये चीज़ मुझे बाद में फील हुआ, तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये डिपार्टमेंट मेरे लिए बना हुआ है। तो इस पर्पज़ के साथ मैंने MBA करना स्टार्ट किया, और उसके बाद मैं अलग अलग HRs के साथ में, जो भी HR प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ में मिला और मिलता रहा। ये तो अभी का भी प्रोसेस है, पहले का ही नहीं है, अभी भी मैं लोगों से मिलता हूँ, उनके साथ में कनेक्शंस बनाता हूँ लिंक्डइन में, तब बाद में कनेक्ट होता हूँ, है ना। तो उसी को बोलते हैं, उसी को नेटवर्किंग बोलते हैं। तो नेटवर्किंग का मतलब कि आप ऐसा पर्सन मिलो जाकर के, उनसे बात कर दो तो उनसे ऐसा पर्सन बात करो, ये नहीं कि कितने कनेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा भर लिए, उसको नेटवर्किंग नहीं बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर ये फर्स्ट था कि आपका क्या था, कि आपको MBA को एक डिग्री नहीं कंसीडर करना, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेना है। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको अपनी USP बिल्ड करनी है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको अपनी नेटवर्किंग के ऊपर काम करना है। चौथी चीज़ ये है कि मैं आपको बताता हूँ, चौथी चीज़ का मतलब ये है, मैं ये पॉइंट को इंक्लूड करना चाहता हूँ कि आपको इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, ये जो प्रोग्राम्स हैं, इसको मिस नहीं करना है। अप्रेंटिसशिप MBA में मैं नहीं जाना चाहूँगा, MBA के अंदर मैं अप्रेंटिसशिप की बात नहीं करता। MBA जो अप्रेंटिसशिप होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इंटर्नशिप अलग होती है। इंटर्नशिप एक शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, कुछ वीक्स लेकर के 6 महीने तक मैक्सिमम हो सकती है। बट अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि आपकी कुछ एक सालों की हो सकती है ना। अप्रेंटिसशिप में टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, तो अप्रेंटिसशिप छोड़ते हैं, इंटर्नशिप के ऊपर बात करते हैं। इंटर्नशिप आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए मतलब कि इंटर्नशिप आपको ज़रूर करना चाहिए अपने MBA जर्नी के दौरान। ये अगर आप फ्रेशर हो तो आपको अपनी इंटर्नशिप के दौरान बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखना आता है, मतलब आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लोगों के साथ कैसा कॉर्पोरेट में कैसे उठते बैठते हैं, कैसे मेल्स करते हैं, ये इवन यू कैन नॉट ट्रस्ट कि मैंने मेल पे कैसे रिप्लाई करते हैं, मेल पे कैसे नो कि रिप्लाई ऑल, बहुत अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें भी मुझे नहीं आती थी, तो वो मैंने अपनी इंटर्नशिप में ही सीखी कि किस तरीके से टाइपिंग अच्छे से फास्ट करना है, टारगेट अगर होता है तो किस तरीके से अपने आप को नो प्रूव करना है। तो लर्निंग एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है, एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है आपका इंटर्नशिप का। तो इंटर्नशिप को मिस नहीं करना है, उस केस में आप मिस कर सकते हो जब आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाए। जैसे कि अगर मुझे HR बनना था, अगर मुझे MBA सेकेंड ईयर में या मतलब MBA की जर्नी के दौरान ही अगर मुझे कोई जॉब ऑफर हो जाती HR डिपार्टमेंट में ही, और मेरा एम भी था HR बनने का, उस केस में मैं इंटर्नशिप को मिस कर सकता था, है ना, उसको स्किप कर सकता था। लेकिन अगर मेरे पास में कुछ नहीं है तो मैं पेड इंटर्नशिप की तरफ जाऊंगा, मतलब ये सभी लोगों के लिए, अगर आपके पास कुछ नहीं तो आप पेड इंटर्नशिप देख लो, जहां पर से आपको कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट नया सीखने को मिले, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, मैंने आपको क्या क्या बताया, MBA को डिग्री नहीं रिकॉर्ड करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, दूसरी चीज़ ये बताया मैंने आपको, दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया कि आपको अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट, कुछ अलग हट करके जो USP है उसके ऊपर काम करना है। तीसरी चीज़ ये थी कि वर्क ऑन योर नेटवर्किंग,
कि आपको अपनी नेटवर्किंग बिल्ड करनी है, अच्छी खासी नेटवर्किंग बिल्ड करनी है। चौथी चीज़ ये थी कि आपको इंटर्नशिप को मिस नहीं करना है उस केस में, स्पेशली व्हेन यू आर अ फ्रेशर, आपके ऊपर फ्रेशर का टैग एटलीस्ट दिस ये चीज़ नहीं लगा होना चाहिए। पांचवी चीज़ कम्युनिकेशन, ओह माय गॉड कम्युनिकेशन। दोस्तों अलग अलग तरीके के डेफिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे कम्युनिकेशन के ऊपर, आप वीडियो सर्च करो, बहुत बड़े बड़े अलग अलग तरीके के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। दैट इज़ ओके, दैट शुड बी फाइन, बट मेरा जहाँ तक मानना है कम्युनिकेशन इज जस्ट अबाउट टू शेयरिंग योर, टू शेयर योर फीलिंग्स, थाट्स, इमोशंस, एक्सचेंजमेंट ऑफ योर फीलिंग, थाट्स, इमोशंस, आइडियाज विथ ईच अदर। यानी कि अगर मेरे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, अगर मैं जो बात मेरे अंदर है, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैं इफ़ेक्टिवली रख पा रहा हूँ, मैं अपनी बात को इफ़ेक्टिवली बता पा रहा हूँ, उसी चीज़ को एक कम्युनिकेशन अच्छा बोल सकते हैं। लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि वो ये चीज़ रिगार्ड सोच लेते हैं कि इंग्लिश अगर आप बोल रहे हो, इफ़ यू आर लाइक वेल वर्स्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ फ्लुएंट यू आर और कितना अच्छे से आप इंग्लिश में बात कर लेते हो, तो वो कम्युनिकेशन स्किल है। बट डज मतलब ट्रस्ट मी, उसका मतलब किसी कम्युनिकेशन का कोई भी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता है ना। इवन जानवर लोग भी जो होते हैं ना, एनिमल्स भी जो होते हैं, वो भी आपस में अब बात करते हैं विदाउट एनी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को एक लैंग्वेज एक अलग बात होगी, इंग्लिश लैंग्वेज एक अलग बात होगी। आप किसी रिक्शा वाले से बात करोगे तो हिंदी में ही बात करोगे, सब्जी वाले से बात करोगे तो हिंदी वाले में बात करोगे, है ना। वहीं अगर आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो अपने मैनेजर से बात करोगे, तब आपको मे बी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो उस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि मैं, मुझे तो हिंदी आती है ना। तो ये मतलब होता है दोस्तों कि इफ़ यू आर एबल टू शेयर योर फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस विथ वन अनदर, दूसरे लोगों के साथ अगर आप उस चीज़ को शेयर कर लेते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये मतलब नहीं होता कि आप इंग्लिश में कितने अच्छे हो, आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बट आपकी कन्वेंसिंग स्किल्स, यू नो, दूसरे लोगों से बात करने की कला, अपने पॉइंट्स रखने की कला, गेस्चर्स, पोस्चर्स, हैंड मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट, बैठना उठना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसी चीज़ को एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बोलते हैं, है ना। इशारों में बात करना, है ना, अच्छे से, मतलब आपकी बॉडी भी पूरी एकदम कम्युनिकेट करना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ पर बात करें तो ऐसे स्टैचू बन करके ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने थोड़ा सा गेस्चर्स पोस्चर्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और कितने इफेक्टिवली आप अपनी बात को कह पा रहे हो, इस चीज़ को कम्युनिकेशन बोलते हैं। इस स्किल्स को, कम्युनिकेशन की स्किल को आप डेवलप करने की कोशिश करो, लोगों से बात करो, हैंड रेज करो जब क्लासरूम में आप बैठे हो, किसी के बारे में मत सोचो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, बिल्ड हो जाएगी। उन लोगों के साथ रहो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी कम्युनिकेशन पहले से ही अच्छी है, फालतू के लोगों के साथ ना रह करके थोड़ा सा दूर आओ, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक चीज़ें बताई, इसके अलावा मैं एक और भी चीज़ को ऐड ऑन करना चाहता हूँ, दो चीज़ों को और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। तीसरी जो छठी चीज़ है वो आपकी है, नहीं पांचवी चीज़ है, क्या क्या मैंने बताया, MBA के अंदर आपको अलग अलग तरीके का वो करना है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन देना है, यूनिक सेलिंग पॉइंट के बारे में मैंने बताया, तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई आपकी नेटवर्किंग के बारे में, चौथी चीज़ मैंने आपकी बताई इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, पांचवी चीज़ मैंने आपको बताई कम्युनिकेशन, छठी चीज़ ये बता रहा हूँ कि आपको MS ऑफिस अच्छे से पता होना चाहिए, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, अच्छे से इनको, मतलब ऐसे समझ लो कि इनको एकदम अपने अंदर वो कर लो, कॉर्पोरेट में जा कर के अपनी हंसी मत उड़वाओ, एटलीस्ट लोग आपकी हेल्प कम करेंगे, हंसी ज़्यादा उड़ाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें पहले से आप सीख लो, छठी चीज़ के ऊपर मैं ये बात करूँ। और सातवीं चीज़ जो कि मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा एडवाइस रहेगी, वो चीज़ ये है कि करेज टू टेक इनिशिएटिव्स, यानी कि कोई भी नया काम करने का, इनिशिएट करने का एक करेज आपके अंदर होना चाहिए, है ना। जैसे मेरे अंदर भी ये होता है कि इनिशिएट करने का मतलब कि कुछ भी नया स्टार्ट करना है। अगर आपको डर लगता है ना,
50 100 लोगों के बीच में हैंड रेस करने से, तो उस काम को करना ही है ना। अगर आपको लोगों से बातचीत करना, लोगों से घुलना मिलना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, हेजिटेशन फील होता है, जो कि मेरे साथ भी काफ़ी कॉमन है, तो मैं भी ये चीज़ करता हूँ, एटलीस्ट से हाई टू देम, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना। तो इससे आपका कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव, एक छोटा सा स्टेप भी आप लोगे ना, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। दूसरे लोगों के लिए आप काम मत करो, दूसरे लोगों को आप छोड़ दो कि आप उनको हाय हेलो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून बोलोगे तो उनका काम बाद में होगा, लेकिन आपका काम पहले हो जाएगा। आपका कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस लेवल इधर था वो उठ करके इधर हो जाएगा, तो इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। दीज आर द वेरी बेसिक एंड वेरी मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको अपने MBA, अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो तो काम करना ही चाहिए। इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ लाइक इसके अलावा भी अगर कोई अदर टॉपिक हो या फिर अदर कोई कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिसको आपको लगता है इंक्लूड करना चाहिए, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ उसको भी मुझे बताओ, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी 20-21 मिनट की पूरी वीडियो देख ली है तो थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको प्लीज़ लाइक करो, और इस तरीके की वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं, ये भी मैंने एक तरीके का इनिशिएटिव ही लिया है, मुझे भी थोड़ा सा हेजिटेशन फील होता है कैमरे के आगे आकर के बात करने में, लोगों से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने में, पता नहीं किस तरीके का लग रहा होगा, तो आप लोग भी थोड़ा सा बताओ क्या है, किस तरीके का है, कुछ और भी अपने सजेशंस, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, है ना। कोई भी आपको फीडबैक देना हो तो वो भी आप दे सकते हो, उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी दूसरे वीडियो में, और इसके साथ ही साथ मैं आपका पूरा कोर्स को भी जो MBA थर्ड सेमेस्टर का उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, और साथ ही साथ में अपना ध्यान रखो। दूसरे दुनिया वालों को तो हम 24 घंटे में से 24 घंटे दे देते हैं, अपने लिए थोड़ा सा सो लेते हैं, अपने ऊपर काम कर लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए एटलीस्ट आधा घंटा, एक घंटा, 15 मिनट, कुछ ऐसा समय निकालो जिसमें आप अपने लिए समय दे सको, फिर बाकी लोगों की बातें बाद में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।